आज हम लेकर आ रहे हैं सबसे पॉपुलर सीरीज जो कि जिसके 24 पार्ट बन चुके हैं और जो आपकी नंबर वन सीरीज में, यानी कि ऐसा एडल्ट कंटेंट जो सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं है बल्कि दिमाग के लिए है और दिमाग को हिला के रख देगा। ये इतना बेहतरीन कंटेंट है कि इसकी अभी तक 25वां पार्ट बन चुका है और 25 पार्ट में हमारे पास नंबर 10 पे है स्लैशर। ये आपको नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको सीरियल किलिंग मर्डर्स देखने पसंद है या फिर व्हाट डिड यू डिड इन द समर वाली मूवी आपको पसंद है, स्क्रीम मूवी आपको पसंद है, तो ये सिर्फ आपके लिए है। ये एंथोलॉजी सीरीज है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है सीजनों वाइज, यानी कि हर सीजन में पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और सीरियल किलर के अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है, एक पार्टी, एक सेक्स एडिक्ट, एक ड्रग एडिक्ट और उनके पीछे पड़ा हुआ सीरियल किलर। हर एक सीजन आपको एक अलग ही तूफानी राइड में लेके जाएगा और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इसकी गारंटी हमारे पास है। अगर आप एडल्ट 18 प्लस शो से सिर्फ ये समझते हैं जो कि हमारे आलू पालू ऐप दिखाते हैं आपको, तो वो कुछ नहीं है, वही देखना है तो कुछ और भी देख ही सकते हो। ऐसा कंटेंट जो आपके दिमाग फाड़ के हाथ में रख दें, यानी कि इनकॉपरेबल नंबर 9th में ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा। अगर आप हाउस ऑफ कार्ड के फ़ैन हैं तो ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। फर्स्ट लेडी ऑफ मैक्सिकन, यानी कि मैक्सिका की फर्स्ट लेडी जो कि देश का भला करना चाहती है लेकिन उसके पीछे पड़ गए हैं बहुत सारे लोग, और फिर उन लोगों से वो कैसे डील करती है। 2 सीजन साथ ये सीरीज मस्ट वॉच है अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है। साथ ही साथ एडल्ट का ऐसा कंटेंट है इसमें जो कि हमें मजबूर कर देता है कि एडल्टनेस सिर्फ वहीं तक ही नहीं होती है, एडल्टनेस हमारे दिमाग से होते हुए हमारे दिल पे उतरती है, अगर आप इसके लिए तैयार है तो। और नंबर 8 पे है, ये आपका नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है द अफेयर, यानी कि आप शादीशुदा और आपके 4 बच्चे भी है लेकिन जब आप एक और एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर में उतर जाते हो और हमें लगता है कि सीरीज यहीं पे ख़त्म है, नहीं, हर एक एपिसोड आपको एक अलग ही राइड पे लेके जाएगा और इस बीच पे ये ड्रामा आपको एक अलग ही दुनिया पे लेके जाएगा कि आपका एक पल की गलती आपको क्या क्या करने पे मजबूर कर देगी और अफेयर शो आपको बिंज वॉच करने पे मजबूर करेगा। अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो उसके बाद आप देखते ही चले जाएंगे और इसकी स्टोरी आउट ऑफ द बॉक्स है। नंबर 7 पे है वेट्स, जैसा कि नाम वैसा ही सो, यानी कि आप क्या कर देंगे जब आप फूक के बैठे हैं और फिर इस फूक के बैठने के बाद आप कैसी कैसी हरकतें करेंगे। कॉमेडी का ये चैनल आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा एडल्टनेस के लिए और फिर किस तरीके से कॉलेज से लेके गलियों तक और गलियों से लेके हर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक ये चीज़ स्मगलिंग होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शो में दिखाया गया है। और साथ ही साथ पैसों की बारिश, यानी कि यह हमारा ब्रेकिंग बैड तो नहीं है लेकिन ब्रेकिंग बैड से कुछ कम भी नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं है लेकिन बहुत ही बेस्ट है आपके लिए बिंज वॉच करने के लिए। कॉमेडी का ये जेनर आपको हिला के रख देगा। और नंबर 6 की वेब सीरीज़ आपको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लगेगी। इजी एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो कि आपको हर एक एपिसोड में एंथोलॉजी दिखाएगी, यानी कि शिकागो में रहने वाले कुछ लोग और उनकी लव लाइफ रिलेशनशिप और ओपन रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप कभी भी ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो ये आपकी पूरी ख्वाहिश से पूरी कर देगा। ओपन रिलेशनशिप में रहने के बाद इनके साथ क्या क्या होता है, ये सारे रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि एडल्टनेस से भरे हुए हैं। नंबर 5 पे है यू मी एंड, एक कपल जो 30 के एज में पहुंच चुका है और अब उनकी सेक्स ड्राइव पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो वो इंट्रोड्यूस होते हैं एक एस्कॉर्ट से और धीरे धीरे वो उस एस्कॉर्ट को पसंद करने लग जाते हैं और साथ ही साथ वो भी उन्हें पसंद करने लग जाती है, फिर वो उसे परमानेंट अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और लाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तहलका मचता है, उनके नेबर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं और फिर ये तीनों कैसे अपने रिलेशनशिप को पूरी की पूरे संभाल के रख पाते हैं, हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और 5 सीजन के साथ आप इसे पूरा का पूरा इंजॉय कर सकते हैं। इनकी एक्टिंग से लेके परफॉर्मेंस से लेके और जो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है 3 जनों का थ्रीसम ही मान लीजिए एक तरह से, सबकी फैंटेसी को पूरा करता है। तो आपको अगर स्लो पॉइजन पसंद है और धीरे धीरे कैरेक्टर का सेटअप और उसका बिल्डअप पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। वाइट गर्ल जो अपने बॉयफ्रेंड के सेक्स एडिक्ट से लेके ड्रग एडिक्शन से कैसे कैसे जूझती है और जब वो खुद ही एक ड्रग एडिक्ट है तो वो अपने बॉयफ्रेंड का ड्रग एडिक्शन कैसे उतरवाएगी, और तभी बीच में हो जाता है एक क्लाइमेक्स जिससे कि बॉयफ्रेंड चले जाता है जेल में और फिर उसे बचाने के लिए ये लड़की क्या क्या करती है, ये देखने लायक बनता है। 1 hour something 20 minutes की ये मूवी आपको बिल्कुल होल्ड पर रखेगी, लेकिन थोड़ी स्लो हो सकती है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एडल्टनेस है और इसे देखने के लिए आपका दिमाग काफ़ी मैच्योर होना
चाहिए। नंबर थ्री पे है एक्सीजन। भाई ये मूवी है कि क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपने मूवी एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में दे चुका है, एक बार जाके जरूर इसे सुन लीजिए। एक लड़की जो कि टीनेज है, जिसके दिमाग में और हार्मोन्स ने उसको बौखला के रखा हुआ है, उसकी लव लाइफ से लेके बॉयफ्रेंड से लेके, और वो अपने आप को समझती है एक सर्जरियन, यानी कि वो बिना पढ़े ही अपने आप को समझती है कि वो सर्जरी कर देगी। और उसके बाद वो अपने क्या क्या कर देती है, जैसा कि टाइटल मैं दे ही चुका हूँ, वो लंग्स उखाड़ के रख देती है। और इतना स्पॉयलर ही काफ़ी रहेगा बिना कुछ करे, यानी कि आपको मूवी देखनी है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये टीनेज ड्रामा, और काफ़ी डिसगस्टिंग भी हो सकती है जिन्हें खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर टू पे हमारे पास है कोरियन ड्रामा द हैंड्स मेडेन, और पार्क वॉन की मूवी है जिन्होंने ओल्ड बॉय बनाई थी। ओल्ड बॉय ही अपने आप में एक एक्सट्रीम मूवी है, और उसके बाद ये, यानी कि साइकोलॉजिकल ड्रामा आपको हिला के रख देगा। इतनी प्लानिंग ट्विस्टिंग है इस मूवी में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चल क्या रहा है। शुरू के एक घंटा आपको समझ ही नहीं आएगा, और उसके बाद जब परतों पे परतें खुलेंगी तब आपके जाके समझ में आएगा कि आखिर इस मूवी में ये हो क्या रहा था। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट जब खुलेगा तो आपका दिमाग और दिल पूरा का पूरा फाड़ू हो जाएगा कि भाई क्या मास्टरपीस बनाया है ये। और वाकई में ये एक मास्टरपीस है, वन टाइम मस्ट वॉच है, बस हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर वन पे डार्कली ड्रीमिंग डेक्स्टर, माइकल सी हॉल की एक्टिंग, और साथ ही साथ हमें 7 सीजन मिलते हैं, हर एक एपिसोड 1 घंटे लॉन्ग है, लेकिन 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का हर एक सीजन है। हर एक एपिसोड में एक नया विलन है, और इसलिए ये बिंज वॉच करना बनता है। एक ऐसा सीरियल किलर जो अपने अर्जेस पे कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन फिर वो क्या करेगा, मारेगा लोगों को, लेकिन ये तो खुद ही हीरो है, तो इस वजह से वो अपनी सीरियल किलिंग को चेंज करता है। वो मारता है बुरे लोगों को, लेकिन अर्ज में, ना कि इसलिए कि वो बुरे लोग हैं, यानी कि वो खुद एक सीरियल किलर है और वो ढूंढ ढूंढ के बुरे लोगों को मार रहा है। और धीरे धीरे जो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, सबसे अच्छी बात हैलोवीन में इनका नया सीजन आ रहा है स्टैंड अलोन, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये इसे बहुत पहले 2011 में ही देख चुका था जब ये आया था, और जब यहाँ पे नेटफ्लिक्स का ट्रेंड भी नहीं था। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग के साथ और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बिंज वॉच वर्थी ये शो है, शो टाइम का। तो आप भी अपना टॉप 10 कंटेंट हमें पेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट में जाके एडल्ट कंटेंट प्लस मूवी एक्सप्लेनेशन देखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको पसंद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवी बताना बिल्कुल भी ना भूलें।